जनपद में नदियों के जलस्तर में कमी हो रही है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में हो रही है। राप्ती सरयू नदी का जलस्तर कम हो रहा है। जो गांव बाढ़ प्रभावित है वहां बाढ़ का पानी अब कम हो रहा है। अभी भी 250 से ज्यादा नावें लगी हुई है। सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इससे पहले भी जनप्रतिनिधियों व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राहत सामग्री का वितरण किया जा चुका है। अभी तक 20,000 से ज्यादा राशन किट का वितरण किया जा चुका है और आगे भी वितरण जारी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, ये देखिए जो बीपीएस जॉब है ना, कल बिहार से आए हुए हैं। रिवार्ड का क्या क्या लेंगे? नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर, प्रभारी अधिकारी आपदा हूं। जनपद में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे अब नियंत्रण में हो रही है। पानी दोनों नदियों का, राप्ती और सरयू, वो अब धीरे धीरे डाउन ट्रेंड है, मतलब कम हो रहा है। जो गांव हमारे मैरून थे, धीरे धीरे मैरून से बाहर हो जा रहे हैं, लेकिन अभी भी 250 के आसपास नावें लगी हुई हैं। हम लोग नाव तब हटाएंगे जब गाँव के लोग कहेंगे कि साहब अब हमें नाव की आवश्यकता नहीं है। राहत सामग्री का वितरण सभी तहसीलों में कराया जा रहा है। आज भी कुछ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरण होगा। इसके पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी उपस्थिति में, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में राशन किट का वितरण किया जा रहा है। लगभग 20,500 राशन किट कल शाम तक वितरित की जा चुकी है। आज भी मुझे लगता है 3-3.5 हज़ार के आसपास राशन किट का वितरण किया जाएगा।